रतलाम के ताल में प्राथमिक स्कूल में मध्याह्न भोजन में की जा रही है बड़ी घोर लापरवाही। रतलाम जिले की तहसील ताल समीपस्थ ग्राम कोटड़ी ताल के माध्यमिक स्कूल में शासन की ओर से मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, उसमें बहुत ही बड़ी लापरवाही देखने को मिली सामने। सोमवार को मध्याह्न भोजन में ही नहीं बनाया गया, वह साथ ही साथ ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि यहां पर सोमवार को भी बच्चों को भोजन नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शासन द्वारा मेनू के अनुसार तय किए हुए खाने को भी कभी नहीं बनाया जाता है। IBN 24 न्यूज ने जब जाकर वहां पर जांच पड़ताल की तो समूह के सभी अधिकारियों ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। देखें पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर लाल सिंह राठौर के साथ। IBN 24 के साथ में लाल सिंह राठौर, जो मैं अब खड़ा हूं रतलाम जिले के तहसील ताल के समीप जो ग्राम कोटड़ी तहसील ताल में आता है, यहाँ पर प्राथमिक स्कूल है। यहाँ पे कल दिनांक 23/9/2019 को मध्याह्न भोजन बच्चों को नहीं कराया गया है। तो मैं आइए आपको बता देता हूँ, ये प्राथमिक स्कूल है और इधर आपको बता देता हूँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी हेडमास्टर रूम जो बताया गया है। तो आइए अब इस बारे में हम ग्रामीणों से चर्चा करते हैं कि क्या आपके द्वारा जो शिकायत बताई गई है, क्या ये नहीं बना था बच्चा बना था कल नहीं बना। तो फिर आपने यहाँ स्कूल में कोई आके बताया था सूचना करी थी? वो बोली जो समस्या हमारे पास सामान नहीं है। ठीक है सर, तो गांव वालों द्वारा कोई शिकायत वगैरह कुछ करी? गांव वालों ने तो कोई करी नहीं, अब चर्चा चली थी वो। किसको बोला आपने? मैंने 2000 आदमी को बोला जी। हकीकत में क्या मध्याह्न भोजन हुआ था या नहीं हुआ था? सर आपका नाम क्या है? हीरालाल जी बर्मन। सर ऐसा सुनने में आया कि कल ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर स्कूल में बच्चों को मध्याह्न भोजन समूह की ओर से नहीं दिया गया, क्या ये सही है? हाँ सही है। तो आपने कुछ चर्चा करी थी कि सोसाइटी में नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया, इसके बारे में कुछ चर्चा? गांव वाले आए तो उनसे संपर्क करा, उन्होंने हमसे भाई नहीं दिया तो अभी समूह का दायित्व तो बनता वो दे दे। सर समूह वाले से चर्चा करी थी आपने कि भोजन आज क्यों नहीं बना, क्या नहीं बना, इसके बारे में कुछ चर्चा करी थी आपने समूह वाले से? बोला था समूह के अध्यक्ष से सामान जी, तो क्या बताया उन्होंने? सामान नहीं। अच्छा सामान नहीं है, चलो बच्चे से करते हैं चर्चा। चलो बच्चे आइए, हम बच्चे से करते हैं क्या कल मध्याह्न भोजन बना या नहीं बना, तो बच्चे खुद बताएंगे स्वयं कि इन्होंने कल भोजन किया या नहीं किया। आइए बाद में। क्या नाम है बच्चा आपका? करण। पूरा नाम बताइए। आपका? क्यों आपने कल जो स्कूल में रोज मध्याह्न भोजन बनता है वो भोजन किया क्या, भोजन मिला आपको? नहीं मिला। आइए बच्चों और किसी को, आइए दूसरे बच्चों को पूछते हैं हम, क्यों कल आप द्वारा मध्याह्न भोजन किया गया स्कूल में? नहीं किया। आपने? नहीं किया। नाम क्या अपना? विपिन। अच्छा रोज मध्याह्न भोजन होता है समय पर? रोज होता है। आज आज भोजन में क्या क्या था? सब्जी रोटी। अच्छा सब्जी रोटी के अलावा और कुछ बना था? चटनी पापड़ वगैरह कुछ? चावल बनाते हैं। आज आज क्या बना? आज सब्जी रोटी के अलावा कुछ नहीं था? सर जी आज जो सब्जी रोटी बनाई गई थी बच्चों के द्वारा बताया जा रहा, आज का मेन्यू क्या था सर? आज का मेन्यू पूरी और सब्जी, चटनी वगैरह पापड़ वगैरह। उसको मंगलवार है इसलिए, ये मंगलवार भी हर मंगलवार बिना पूरी और ये जाना चाहिए। भोजन माना कि कोई एक मेन्यू अगर न हो तो मान लेते, लेकिन कल और यहाँ शिक्षा अधिकारी के द्वारा पूछा गया समूह वालों को तो बताया गया है कि यहाँ पर सामान नहीं थे, तो इसकी वजह हम जानते हैं कि अध्यक्ष से समूह के अध्यक्ष के सामान की समस्या क्या थी और क्या नहीं थी। जो हम समूह के जो भोजन बनाने वाले रूम में खड़े हैं और यहाँ से माता जी से पूछ रहे हैं कि क्या बनाया जाता है, और इनके द्वारा चार्ट जो अपने सातों दिन का जो मेन्यू है, इनके पास ना तो कोई दीवार पे मेन्यू लिखा हुआ है और ना भी इनके पास कोई चार्ट है कि क्या रोज मेन्यू चटनी वगैरह केवल रोटी और पूड़ी खिलाते हैं आलू की। नंबर नहीं लगा तो बाहर चले गया था डॉक्टर साहब, तो घर जाके बोलना था आपको? घर जाके फोन लगाया था। और ग्रामीण के द्वारा पूछा गया, ऐसा बताया गया कि सामग्री नहीं थी कल? कल पूछने आए थे ग्रामीण तो ऐसा सामग्री भी नहीं थी। कई जिम्मेदारी आपकी स्कूल में यहाँ? रोटी बनाना। क्यों कल ऐसा सुनने में आया ग्रामीणों द्वारा कि आप यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया, तो नहीं बनाया गया? कल नहीं बनाया। तो किस कारण नहीं बना, इसकी समस्या? टंकी। कई जिम्मेदारी आपकी स्कूल में यहाँ? रोटी बनाना। क्यों कल ऐसा सुनने में आया ग्रामीणों द्वारा कि आप यहाँ मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया, तो नहीं बनाया गया? कल नहीं बनाया। तो किस कारण नहीं बना, इसकी समस्या? टंकी। हाँ सर जी, जो आपके संकुल में जो गांव कोटड़ी लगता है ताल तहसील में, उसमें कल दिनांक 23/9/2000 को
19-2000 को भोजन मध्यान्ह भोजन नहीं हुआ, उसकी क्या आपको जानकारी है या किस परिस्थिति में? नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी दे रहे हैं, मैं दिखवाता हूँ जन शिक्षक से कि मध्यान्ह भोजन क्यों नहीं बना, क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी आपको। ग्रामीण के द्वारा मुझे सूचना मिली, उसके बाद में जो IBN अपनी टीम वहाँ पर गई है तो पूरा स्कूल के उनके जो शिक्षक हैं उनकी भी बैठ ली, उन्होंने भी बताया है कि इसमें हमने बोला था समूह वालों को, लेकिन वो सामग्री का ऐसा कुछ बोल रहे थे कि सामग्री समाप्त हो गई, तो इसके बारे में आगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या करेंगे आपके बारे में ओवर से? अगर ये बता रहे कि सामग्री है तो सहायता समूह द्वारा ही सामग्री क्रय की जाती है जी, और जो उनका पूरी राशि वहां से आगे से उपलब्ध की जाती है जी, अगर ऐसा होगा तो आगे भी सूचना देनी पड़ेगी। तो आपके ओवर से क्या कार्रवाई रहेगी उनके ऊपर? तो वरिष्ठ कार्यालय को दी जाएगी जी, संबंधित स्व सहायता समूह को भी जी सूचना निर्देश दिए जाएंगे क्यों तेज मतलब कल जो है मध्यान्ह भोजन क्यों नहीं बना जी। और दूसरी बात सर ये है कि वहाँ पर जो मेन्यू बच्चों के द्वारा पूछा गया, मतलब आज जैसे कि खीर पूड़ी रोटी का जो मेन्यू था तो वहाँ पर बच्चों द्वारा स्वयं बताया गया वीडियो में कि केवल आलू की सब्जी और रोटी ही बनाई जाती है, मेन्यू में भी मतलब हेर फेर लगता है। मेन्यू तो जो शासन द्वारा निर्धारित है उससे अनुरूप जो है मध्यान्ह भोजन स्व सहायता समूह को बनाना है, और अगर ऐसी बात है तो इसके बारे में भी पूरी उनको जी मध्यान्ह भोजन जो है मेन्यू अनुसार क्यों नहीं बन रहा जी सर, क्योंकि कई बार निरीक्षण भी करते हैं तो बनता तो मेन्यू अनुसार ही है जी सर, लेकिन क्यों नहीं बना ये भी पूछा जाए जी। और दूसरी बात सर ये जो मेन्यू की एक चार्ट बना हुआ था वो भी नहीं, उन्होंने जो पूछने पे मनाई कर दिया है नहीं आना उनके पास मिला और ना कहीं स्कूल पे चस्बा मिला। नहीं नहीं वो तो होना चाहिए, नहीं मिला सर पूछने पे मनाई कर दिया, ऐसे है तो संस्था प्रधान को बोलना पड़ेगा जी मैंने सर चार्ट क्यों नहीं लगाया। सर आपका कौन से दायित्व पे है, जो कितने स्कूल पर आप संकुल प्रमुख काम करते हो? जो संकुल में लगभग 40 PS और MS विद्यालय है जी, और सभी में मध्यान्ह भोजन सब व्यवस्था चल रहा है जी। आपका शुभ नाम? राजीव रचन कुशवा जी। कौन से दायित्व पे जो इन 40 स्कूल में आप? संकुल प्राचार्य जी सर, और जन शिक्षा केंद्र प्रभारी।